हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल ड्यू टुडे अपडेट में। फ्रेंड्स, कल हमने टॉप 1000 करेंट अफेयर्स का पार्ट 4 देखा था, आज उसी सीरीज का हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 5 है टॉप 1000 करेंट अफेयर्स 2018 का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी TCS, ऑप्शन डी महिंद्रा ग्रुप। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए स्कॉट मॉरिसन, ऑप्शन बी जॉर्ज कैम्ब्रिज, ऑप्शन सी एलविन मॉर्स, ऑप्शन डी पीटर डेटन। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉट मॉरिसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा जारी निर्देश में घरेलू झगड़े दहेज हत्या के मामले में किसके रिश्तेदारों को पुख्ता सबूत बिना नामजद नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पति, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी सास और ऑप्शन डी पिता। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत एवं किस देश की सेना के मध्य हॉटलाइन स्थापित किए जाने को लेकर सहमति व्यक्त की गई है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजी में किस खिलाड़ी को टॉप स्थान हासिल हुआ है। ऑप्शन ए एबी डिविलियर्स, ऑप्शन बी रशीद खान, ऑप्शन सी क्रिस गेल, ऑप्शन बी डी विराट कोहली। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नेवी ने किस राज्य में ऑपरेशन मदद शुरू किया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग ने 23 अगस्त 2018 को भारतीय हिमालयन क्षेत्र, इंडियन हिमालयन रीजन में निरंतर विकास पर विषय संबंधी कितने रिपोर्टों को शुरुआत की है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, फोर्ब्स की सूची 2018 के मुताबिक किस अभिनेता ने सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय अभिनेताओं की सूची में 2 वर्षों से शीर्ष पर रहे शाहरुख खान को पछाड़ दिया है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ऑप्शन डी इरफान खान। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार, खिलाड़ी भैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कराने की घोषणा की। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, 10वां सवाल है, रूसी वैज्ञानिकों ने हाल ही में साइबेरिया के ठंडे वातावरण में मिले विलुप्त किस प्रजाति के घोड़े के बच्चे के 40,000 साल पुराने अवशेष की तस्वीरें जारी की है। ऑप्शन ए लिन्ना, ऑप्शन बी ओरंगुटान, ऑप्शन सी कैनिड्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीना। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले बायोफ्यूल विमान का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए जेट एयरवेज, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी विस्तरा। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइस जेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ऑप्शन ए नाटो और मिशन 2018, ऑप्शन बी सार्क मिलिट्री प्रैक्टिस 2018, ऑप्शन सी एससीओ पीस मिशन 2018, ऑप्शन डी डार्क हॉर्स मिशन 2018।
गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एससीओ पीस मिशन 2018। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले के सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है, भारत ने ऊर्जा दक्षता के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए एशियन बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में यमुना नदी पर किस बांध परियोजना है तो 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए देवप्रयाग बांध, ऑप्शन बी हिमनद बांध, ऑप्शन सी लखवाड़ बांध, ऑप्शन डी परियोजन बांध। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखवाड़ बांध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस आयोग ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है कि देश या इसके किसी पहलू की आलोचना को देशद्रोह नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी विधि आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 30 अगस्त 2018 को किस राज्य में सिंचाई की कार्य दक्षता सुधारने हेतु $375 मिलियन के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत और किस देश ने 30 अगस्त 2018 को आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए कम्बोडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्बोडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एचआरडी मंत्रालय ने नॉन मेस को बढ़ावा देने के लिए किस रैंकिंग को आरंभ किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत रैंकिंग, ऑप्शन बी इनोवेशन रैंकिंग, ऑप्शन सी बेस्ट रैंकिंग, ऑप्शन डी अटल रैंकिंग। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल रैंकिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स अगला सवाल है, भारत का पहला विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 किस नाम से आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मूव, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी परफॉर्म, ऑप्शन डी वेकअप। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस देश में 4थी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस IAVC आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नीदरलैंड। गेस कीजिए फ्रेंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में पार्ट 6 लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।